कतई मंजूर नहीं है। झारखंडियों को आज तक उनकी पहचान जो है खतियान आधारित वो नहीं मिली है, धोखा किया गया है झारखंडियों के साथ। और फिर हम लोग के साथ जो यहाँ पर ना नियोजन नीति बनाई है, ना भाषा नीति बनाई गई इतने सालों में, ना उद्योग नीति बनाई गई है। झारखंड 16 खनिज पदार्थों का एक समृद्ध राज्य है और इसके साथ चला गया है। जो राजस्व की प्राप्ति हमारे सरकार खजाने में जाती वो सब ना होके सबके जेब में जा रही है। झारखंड अभी हालिया सर्वे में गरीबी के दूसरे पायदान में पहुंच गया है, ये हालत है यहाँ पर। और सरकार जो है सिर्फ अपना बजट का ढिंढोरा पीट रही है। यहाँ पर महीनों से जो झारखंडी युवक जो है आंदोलन पे उतरे हुए हैं, हमारे बोकारो से जो चल के आए हैं बच्चे वो अनशन पे बैठे हैं, उन्होंने एक बूंद पानी नहीं लिया है, खाने की तो बात चुप छोड़ दीजिए। और तब भी सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ना आश्वासन आ रहा है, ना मुख्यमंत्री से मिलने की बात हो रही है। हाँ, झारखंड बंद करने का इनको जो ऐलान किया है, इनका अधिकार क्या बनता है? ये राज्य हमारा है और हमारा ही इस पे पहला और आखिरी हक है। झारखंड बंद करने की जो इन्होंने बात कही है, हम लोग बेफिजूल की ही है, इसका संडे है, बाजार बंद रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा, मगर हम बाहर निकलेंगे, देखते हैं कैसे ये अपने बंद की ये खोखी जो अपनी दावे कर रहे हैं ना वो कैसे पूरा होता है। हम झारखंडी सब हम पूरे राज्य में निकलेंगे और दिखा देंगे कि झारखंडी को छेड़ने का तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये नहीं है आगे क्या मंजर देखने के लिए मिलेगा इनको, ये सोच के वो अपना तय कर लें कि क्या इनको तस्वीर अपनी देखनी आगे। तो आपने सुना कि गीता श्री ओराव जी ने क्या कहा कि कल झारखंड बंद नहीं होने देंगे और हम भी रोड में निकलेंगे। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।